17th November, World Prematurity Day. Myself, Dr. Pratik Mahajan, Mac Retina Hospital, Indore. अब मैं तो हूँ आंखों का डॉक्टर, आप सोचेंगे कि मुझे प्री मैच्योरिटी से क्या मतलब. एक्चुअली हमारे देश में काफी बच्चे हैं जो कि प्री मैच्योर होते हैं, लाइक जिन्हें पूरे 9 महीने के पहले वो बाहर की दुनिया में आ जाते हैं. अब ये जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, इसमें 20% वो होते हैं जो 34 वीक से कम या फिर 2 kg से कम होते हैं. और ये जो ग्रुप है इसमें 50% बेबीज में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी नामक एक भयावह बीमारी आने की बहुत ज्यादा संभावना है. तो अब ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी यानी कि आरओपी क्या है, इन प्रीमैच्योर बच्चों में आती है और इसे टाइमली अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और बच्चे को पूरी तरह ब्लाइंड होने से बचाया जा सकता है. अब ये जो डिसीज है ये ऐसे बाहर से नहीं दिखेगी, बाहर से तो बच्चों की आंखें सब नॉर्मल ही दिखेगी, है ना, और धीरे 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 डिसीज आगे बढ़ती जाएगी और बच्चा ब्लाइंड हो जाएगा. तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का बच्चा जो है उसको 21-30 डे ऑफ लाइफ, यानी किस बच्चे को जो कि 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन का हो या 2 kg जिसका बर्थ वेट हो, 2 kg या इससे कम या 34 वीक या इससे कम गेस्टेशनल एज हो, इस बच्चे को 21-30 डे ऑफ लाइफ में इसका फर्स्ट आरओपी स्क्रीनिंग होना चाहिए. यानी कि एक जो आई स्पेशलिस्ट है, जो रेटिना स्पेशलिस्ट, वो आते हैं, इनकी आंखों में हम ड्रॉप्स डाल के रेटिना का चेकअप करते हैं और फिर हम डायग्नोस करते हैं कि इसमें एक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी की बीमारी हो रही है. अब ये बीमारी अगर होती है तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि या तो बच्चे को ऑब्जर्व करना है या फिर इसमें कुछ लेजर करना है या फिर इंजेक्शन करना है. तो सही टाइम पर अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो इस डिसीज से होने वाली ब्लाइंडनेस को पूरी तरह प्रिवेंट करा जा सकता है. अदरवाइज बिलीव मी, ये बीमारी अगर आगे बढ़ गई तो बच्चा जीवन भर के लिए पूरी तरह ब्लाइंड हो सकता है और फिर कई बार इसका ट्रीटमेंट तो इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इस बारे में बात करिए, आपके घर के आसपास कोई भी प्रीमैच्योर बच्चे हों तो उनसे ये सवाल अवश्य पूछें कि क्या इनकी आंखों का चेकअप हो गया है. आज की तारीख में आरओपी रिलेटेड ब्लाइंडनेस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसे पूरी तरह रोका जा सकता है.